ABPS News। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के कई बार वादे किए गए, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना से मुखातिब कराते हैं जिससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। हम बात कर रहे हैं थाना रजपुरा की। जी हाँ, मोबाइल चोरी की घटना की तहरीर थाना रजपुरा में दी गई थी, जिसके संबंध में आरोपियों को थाने में पूछताछ के लिए होमगार्ड द्वारा बुलाया गया। फिर क्या था, दबंग आरोपियों ने रजपुरा थाने में तैनात होमगार्ड आरपी सिंह को बुरी तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा, साथ ही उनकी वर्दी फाड़ दी, जिसके विरोध में होमगार्डों ने थाना प्रभारी से लिखित शिकायती पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। साथ ही सभी ने धरने पर बैठने की भी धमकी थाना प्रभारी रजपुरा को दी है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार जनता की रखवाली के लिए पुलिस को निर्देश दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ थाने में पूछताछ के लिए बुलाए गए आरोपियों द्वारा होमगार्ड को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का मामला कुछ और ही बयां कर रहा है। जब कानून के रखवाले ही दबंगों से सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का सुरक्षित रह पाना कैसे संभव है। इसे पर्दी भी फाड़ दी आपने? हाँ, पर्दी फाड़ दी, मुझे टेम्पलेट भी ले गए और कैप भी ले गए वहाँ से। अच्छा, कहाँ तक दौड़ाया? दौड़ाया था थाने के थोड़ी दूर, थाने तक चौराहे के थाने तक दौड़ाया। अच्छा, क्या मामला है भैया? मामला ये था कि शिकायती पत्र मोबाइल चोरी का शिकायती पत्र दे के गया था। उस व्यक्ति की सूचना मिलने पर एप्लीकेशन लेके हमें मुंशी ने भेजा कि इसको बुलवा के लाइयो, इस पत्र कर लियो। तो उसने वहाँ मारपीट कर दी हमारे साथ में। मारपीट करने के उपरांत मेरी वर्दी फाड़ दी, उसने नेमप्लेट भी ले गई और ले जाने के बाद मैं वहाँ से भागा खूब थाने तो रोने। और चमट्टे भमट्टे कहा सब वगैरह, चमट्टे भमट कहाँ से आ गया तू? अच्छा अच्छा, फिर भेज दिया तुझे मुंशी ने। मैं अब मुझे जाने पर वहाँ से जान बचा के भागा। अच्छा, कितने लोग थे वो? कम से कम 10-20 लोग तो ही। उनका क्या नाम है जिनके यानी सूचना पर गए थे आप? सूचना पूरा कल लोग पत्र ही हो गए। अच्छा, अधिकारियों को बताया क्या? अधिकारी यशो साहब को हमने कल ही दे दिया पत्र, वो शिकायती पत्र में कोई कार्रवाई नहीं। तो आगे अधिकारियों को बताएंगे क्या? आगे बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बताने को जाने नहीं दे रही। कहाँ, कौन नहीं जाने दे रहा? ये दफ्तर वाले नहीं जाने दे रहे, सब में नहीं कर रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, बताएं सुबह से कल से पढ़े, अभी बताने को जाने नहीं।